जेल में परचम लहराओ तुम पाकिस्तान का, अभी तुम इंडिया छोड़ दो, इंडिया बाद में लहरा लेना, यहाँ पे भी आ जाना, पहले वहां पे जेल में लहरा लो परचम। कौन जेल? इनका खुद का, इनका बुजुर्ग, ये दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, करण अर्जुन टाइप, और इन्होंने बोल दिया है। कौन है वो? कि भाई मुझको रानी ने बोला कि सर में दर्द हुआ पाकिस्तान के, तो बोला कि यार इंडिया यार दवाई दे दो यार, बड़ा सर में दर्द है, ये लेडिस्प्रिन ले ले, है ना जिहाद का जज्बा, तो जाओ राष्ट्रीय राइफल कैंप के अंदर घुसो। हम भी तो देखें ना कितनी औकात है तुमने, हम भी तो तारीफ करें। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको टाइटल से तो पता चल ही गया है कि आज मेजर साहब किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने जवानों को दो वक्त की रोटी खिला सके, उसी पर मेजर साहब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। और भी दो तीन खबरें हैं जो वहाँ के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है उसको उठाकर जेल में डाल दिया है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित को जो नमाज के लिए जा रहा था, उसको आतंकवादियों ने गोली मार के जान ले ली, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट और आर्मी को, उसके बारे में भी मेजर साहब डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाकिस्तान में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। एक लेफ्टिनेंट जनरल थे अमजद शोएब, रिटायर्ड, और टेलीविजन पे काफी आते हैं पाकिस्तानी टीवी पे। ऐसी कोई रात नहीं है जहां पे वो पाकिस्तानी टेलीविजन पे ना हो, और ऐसा कोई दिन नहीं है। और उनका अपना यूट्यूब चैनल है, और दिन भर बुजुर्ग ने जहर उगलना है इंडिया के खिलाफ, दिन भर जहर उगलना। अच्छा, जहर हम भी उगलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए कोई नेक ख्वाहिशात रखते हैं दिल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेजर साहब खुद तो आप डेली पाकिस्तान की क्लास लेते हो और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? हम भी करते हैं। लेकिन ये जहर उगलते उगलते ये भूल गए अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, कि अपने मुल्क के खिलाफ जहर, क्योंकि बेसिकली देखो सांप की नीयत तो सांप की नीयत होती है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो सांप है वो दुश्मन के लिए तो सांप रहे लेकिन अपने लोगों के लिए वो खरगोश बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो बुजुर्गवर थे अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, ये फुंफकारते थे भारत ये जिहाद फी सबिलिल्लाह, काफिरों को ये बम मार दो। अच्छा, मारते मारते बम इस तरफ करते करते इनका फन ऐसे हो गया, उल्टा ऐसे तो रावलपिंडी ये फुंफकारने लगे। अच्छा, इनको पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है। अब इनका होगा सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को अरेस्ट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। उनको ही पकड़ के ले जाए, यानी कि मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितना मैं पाकिस्तान को जानता हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि पहले पुलिस ने या सरकार ने रावलपिंडी, जो इनके आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, जीएचक्यू जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, जहां पे पाक फौज बैठती है, वहां पे उन्होंने परमिशन ली होगी कि अमजद शोएब है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसके स्क्रू टाइट करने हैं जरा, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। और श्रीमान क्या हमें अनुमति है? उन्होंने बोला अनुमति है, ले जाओ, अनुमति के बिना से कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। मैं उनके एक दो वीडियोस मैं चाह रहा था डालूं, लेकिन वो फिर वो कॉपीराइट वाला मामला हो जाता है, वरना इनका डेली था कि हम ये क्यों नहीं कर देते, हम ऐसा कर दें, हम अच्छा हम ये क्यों नहीं कर देते, हम ये क्यों नहीं कर देते। इन्होंने तब नहीं करा, तब ये फौज में सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल था, तब ये अपने कॉर्नर के प्लॉट बना रहे थे, तब ये जमीनें घेर रहे थे सिविलियंस की, तब ये चोरी कर रहे थे, तब ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, तब ये करप्शन कर रहे थे, और जैसे ही रिटायर हो गए जिहाद फी सबिलिल्लाह, हमें जिहाद करना चाहिए, तो ज्यादा जिहाद करने लगे, उल्टी तरफ स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करने लगे, ठीक है, फौज की तरफ, सरकार की। पाकिस्तान में एक लेवल तक टॉलरेट करते हैं वो लोग ना, पाकिस्तानी सिस्टम का ये कि एक भारत जैसा नहीं कि आपको जो बोलना है दंदनाते बोलते चले जाओ, अनलिमिटेड लाइसेंस है आपके पास, ना ना ना, वहां पे एक लकीर है पाकिस्तान में, और वो लकीर दिखाई नहीं देती किसी को दोस्तों, वो लकीर महसूस करी जाती है, और आपको पता लग जाता है कि कब आपने वो लकीर, वो लाइन आपने पार कर दी है। तो भाई साहब ने उठा के ले जाते हैं, चचा ने वो लकीर पार कर दी, चचा को अंदर ले लिया, ठीक है। और वो ना हो पाकिस्तान आर्मी के आशीर्वाद से इनको अंदर लिया गया है। तो ये बहुत बोलते थे जिहाद करना चाहिए, ये भी चाह रहे थे कि झंडा वंडा लाल किले पे सब्ज परचम अपना लहरा दें पाकिस्तान का, इनके बड़े मन की ख्वाहिश थी। अभी तो इनसे बोलो कि भैया जेल में परचम लहराओ तुम पाकिस्तान का, अभी तुम इंडिया छोड़ दो, इंडिया बाद में लहरा लेना, यहाँ पे भी आ जाना, पहले वहां पे जेल में लहरा लो परचम, ठीक कर लो। इनका खुद का बुजुर्ग का खुद का परचम बना के लोग वहां पे लहरा रहे होंगे। खैर, अच्छा, दूसरी खबर जो पाकिस्तान की है दोस्तों, वो है तकरीबन 3 दिन पहले 4 दिन पहले की, लेकिन हम वो खालिस्तान वाला चैप्टर हमारा चल गया था, हम खालिस्तान के ऊपर, तो वो खबर हमारी थोड़ी सी हट गई। तो आज मन में ख्याल आया कि नहीं यार, ये खबर हमें वापस आपके सामने लानी चाहिए। हो सकता है आप सुन भी चुके हैं खबर, पाकिस्तान में जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई, और बड़ा क्वार्टर मास्टर जनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं जितना कह रहा हूं वो इट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसका बड़ा एक एग्जॉस्टिव एक मैंडेट रहता है क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पर भी। तो उनको फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं, जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग हालात है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा, पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूता पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज निकाली है, या आपकी नजर से भी गुजरी होगी न्यूज, कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे, ये क्या जंग लड़ेगी, राइट? तो उनका ये है कि अब भूखे पेट जिहाद कैसे लड़ेंगे यार, हाँ, बिना खाए जोश कहां से आएगा? भूखे पेट तो जोश नहीं आता, भूखे पेट जोश तो नहीं आता, तो बोला कि साहब जिहाद कैसे लड़ेंगे ये? किस तरीके से जिहाद लड़ सकते हैं? तो जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो तो करप्ट हैं, वो तो बिल्कुल चोर हैं, सबके सब ऐसे, वो बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी, उनके प्लॉट, उनके जेवरात, उनके बीवी बच्चों के महल आप देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, है ना? तो ये सब भैया परेशान वरेशान तो होने वाली बात हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हमारे जनरल तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे हैं। भारतीय सेना के जनरल बेचारे पेंशन में रिटायर हो जाते हैं और उनका जो छोटा मोटा घर है उसमें रहते हैं और करप्शन नहीं करते। बहुत रेयर कभी कुछ होगा, किसी के खिलाफ कोई केस हो गया, बहुत रेयर। यहाँ पर तो हर एक बंदा चोर है, सबके सब। जनरल्स ने अपने आप को सेव कर लिया, जो सिपाही है, सिपाही को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही पाकिस्तान में, इतना बुरा हाल पाकिस्तान का हो चुका है। आर्मी चीफ। अच्छा जी, अब हम आते हैं बाकी खबरों पे। और क्या खबर है? पाकिस्तानी सरकार ने, मैं क्विकली आपको पाकिस्तान की कुछ खबरें बता दूं, पाकिस्तानी सरकार ने बोला है कि 25% कोटा है हज पिलग्रिम्स का, जो डॉलर में। अब पाकिस्तानी ऐसा है ना कि कुछ तो बैंक में पैसे हैं, कुछ इन्होंने अपने तकिए और अपने मैट्रेस के नीचे डॉलर छुपा रखे हैं पाकिस्तानियों ने, बिकॉज दे हैव नो फेथ इन कंट्री। अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे भरोसा है नहीं, अपने बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं, तो चोरों की जमात है, डकैतों की जमात है ना? तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने डॉलर छुपा रखे, तो बोला कि जिसको हज जाना है, राइट, तो वो अगर डॉलर में देगा तो हम उसको अलग अलग किस्म की और फैसिलिटीज देंगे। ये फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने का एक और तरीका समझ लीजिए, स्कीम है। इन्होंने हज को भी मोनेटाइज कर दिया, इतने भले मानस हैं ये लोग, अब इनको क्या ही बोलूं अपने मुंह से। इन्होंने बोल दिया कि हज में भी हम एक काम करेंगे, जो डॉलर पे देगा उसको हम फेवर करा जाएगा यहां से। और द सोर्सेज सेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैड इंक्रीज्ड द हज कोटा फॉर प्राइवेट ऑपरेटर्स फ्रॉम 40% टू 50%, व्हिच माइट फर्दर रेज इन द वेक ऑफ पर्सिस्टेंट फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी क्रंच। दे सेड मिनिस्ट्री वुड चार्ज ₹1 million from each pilgrim under the government scheme, but the hajj expenses might rise to $1.3 million in case of further depreciation of the rupee. The sources said Saudi government was increasing the tax rate on hajj by 18 to 20%. तो भैया ये सऊदी अरब से भी चाबी है कि तुम्हें हज करना है तो 18 से 20% उस पर टैक्स है। 1 million rupees यानी कि 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, और उसके ऊपर अगर आप डॉलर में देंगे तो आपको फायदा, वैल्यू भी क्या है, ठीक है? यानी कि अपने ही लोगों की जेब कटना पाकिस्तानी सरकार ने शुरू कर दिया है। दूसरी चीज, भाई 4 लोग मारे गए और 14 इंजर्ड हो गए बलोचिस्तान के बरखान में, ये पहला अटैक। दूसरा अटैक खुजदर में, एक बॉम्ब, एक कोई जगह होगी खुजदर, वहां पे 2 पुलिस वालों की जानें चली गई। और तीसरा अटैक वो हुआ है कि एक और जगह हुआ, पुलिस वाले के घर के आगे बम ब्लास्ट पाकिस्तान में हुआ है, आउटसाइड ऑफ कॉप्स हाउस, उसमें कोई मरा मुरा नहीं, लेकिन ये 3 अटैक 24 घंटे में हो गए। तो जो ये कह रहे थे ना कि हम गए हैं वहां पे और हम अफगानिस्तान में गए हैं और हम मिले हैं और हमने उनसे बात करी है, और तालिबान ने बोला, तालिबान ने कख नहीं करना। सुनो मेरी बात, तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक हैं, पहली अपनी मोटी बुद्धि में घुसा लो। पाकिस्तान के सियासतदानों, तुम्हारी मोटी बुद्धि है उसमें एक बात घुसा लो, दोनों ये भाई भाई हैं, ठीक है? ये दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, करण अर्जुन टाइप, और इन्होंने बोल दिया है कि भाई मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ठीक है, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हें मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा, और दोनों मिले हुए हैं, ये करते आ रहे हैं, ये दोनों मिले हुए हैं महीनों से। मानो मेरी बात, जो तुम लोग यहाँ पे अपने ISI जनरल और उसको भेजते रहते हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब अफगान तालिबान के आशीर्वाद से हो रहा है, और तुम्हें ठोकते रहेंगे ये लोग, ये तुम्हें ठोकते रहेंगे, नहीं रुकने वाले। 3 अटैक 24 घंटे में हो गए हैं, जबकि तुम्हारा ISI का चीफ और जबकि तुम्हारा ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है वहां पे उनके पैर छूकर आया है कि हमारे अब्बू जी हमें माफ कर दो, लोग अटैक करें हमें, ये क्या कराया, तब जाके तुम जलील हो रहे हो, ख्वार हो रहे हो, इसलिए फिर भी खा रहे हैं। अच्छा जी, उनकी और भी मारे। जो इशाक डर है इनका फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने फिर पाकिस्तान को चूना लगा दिया। इन्होंने बोला है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो जैसे हमारे NRI होते हैं वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी, वो अगर पाकिस्तान में आए और अपने लिए कोई फ्लैट फ्लैट खरीदना चाहें तो हम उनके लिए एक लग्जूरियस एक जगह बना रहे हैं। 3-4 सोसाइटी, 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू करे हैं, राइट। लेकिन ये जमीन जो थी पहले अलॉट करी गई थी गरीबों के लिए जो बेघर हैं। स्कैम समझ रहे हैं आप? स्कैम बात आ रही समझ में? स्कैम क्या है? स्कैम यही है कि जो गरीबों के लिए जगह थी वो बोला कि नहीं, गरीब गरीब देखो यार, गरीब की क्या औकात है पाकिस्तान में, हैं गरीब, तुम थोड़े दिन और गरीब रह लो यार, जब तुम बचपन से गरीब रहे, तुम्हारे बाप दादा अब्बू सब गरीब रहे, तो तुम क्या 2-4 दिन और गरीब नहीं रह सकते, 2-4 साल गरीब और नहीं रह सकते? पहले बाहर से डॉलर आने दो, तो सोचा है कि $2 अरब तक आ जाएंगे अगर वो लोग यहाँ पे घर अपना खरीद लें, तो ये और इन्होंने चक्रमबाजी करी है और चूरन और ही चूरन। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के अस्पताल में इंसुलिन खत्म, डिस्प्रिन खत्म, मेडिसिन खत्म, लोग कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, उसके लिए दवाई नहीं है, बहुत बड़ा वहां पे इमरजेंसी हो गई है, क्योंकि भारत ने बोला चलो तुमने सारी ट्रेड बंद कर दी, तुम दवाई ले लो। अब ये क्या है कि जो भारत से दवाई जा रही है ना, ये उसके भी पैसे नहीं दे रहे। अब यार जो भारत में जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, होलसेलर है, वो कहता है साहब हम आपको दवाई देंगे, हमें स्पेशल परमिशन मिल गई इंडियन गवर्नमेंट से कि हम पाकिस्तान कम से कम दवाइयां भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पैसे तो दोगे ना आप यार, वो भी नहीं देंगे। ये खैरात बांटने के लिए थोड़ा ना बैठे, धंधा है यहाँ पे, बिजनेस है, तो धंधा ना करे आदमी, अपना काम ना करे। अच्छा, पाकिस्तानी ने बोला कि सर में दर्द हुआ पाकिस्तान के, तो बोला कि यार इंडिया यार एक दवाई दे दो यार, बड़ा सर में दर्द है, तो इंडिया ये ले डिस्प्रिन ले ले, डिस्प्रिन खा ले, तो इंडिया ने बोला पैसे देना, तो कौन से पैसे, अब तो सर दर्द ठीक हो गया, सर में ठीक हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, जब तक सर में दर्द था तब तक मुझे याद था, सर दर्द गया तो तू भी गया, भाग यहाँ से। ये इन्होंने करा है। अब इंडिया वाले भी उनको मेडिसिन सप्लाई करने को राजी नहीं है दोस्तों, कौन करेगा, पैसे ही जब नहीं देंगे तो फिर उनको दवाई क्यों देंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, ये जो खबर है एक बड़ी दुखदाई खबर है। संजय शर्मा कश्मीरी पंडित है, ठीक है, इनके पिताजी का नाम काशीनाथ शर्मा है, उनको पुलवामा में मार दिया, ठीक है ना, टेररिस्ट ने उनको मार दिया और नहीं चीनी देंगे, एरिया को कॉर्डन ऑफ करा, वो टेररिस्ट, देखो टेररिस्ट को मार देंगे उसको ना, फौज जो है, JK पुलिस है, CRPF है, उसको घेर घार के मार देगी उस टेररिस्ट को या उन टेररिस्ट को जिसने ये बहुत गंदा अटैक करा है। मैं अभी एक आध दिन पहले आई थिंक आई वाज, एक कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बड़ी इज्जत दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का। तो उन्होंने बुलाया, यार मैंने तब भी बोला था ये कोर्ट में केस, इनसे कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि इज्जत से वापस वैली जाएं, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट आर्म द कश्मीरी पंडित्स। तो शुरू भी किया है ना, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, ये जो इस आदमी को मार दिया ना यहाँ पे, इस आदमी को क्यों मारा, जो JK पुलिस के लोगों को ये लोग मार देते हैं, ये क्यों मार देते हैं, मैं आपको बताऊं क्यों मारते हैं ये। कभी आपने सुना कि इन्होंने ये आर्मी के कैंप में घुस के इन्होंने अटैक कर दिया? ये उड़ी उड़ी की कहानी तो पहले की थी, उसके बाद जब से पाकिस्तान को ठोका है और जब से उनकी चूड़ियां कसी हैं, तब से कोई टचवुड कोई अटैक नहीं हुआ। क्यों नहीं होता, आपको पता है? पता है कि फिर में किसके मारेंगे ये लोग, इसलिए मारते हैं कश्मीरी पंडितों को या कश्मीर पुलिस के, JK पुलिस के जो लोग जा रहे हैं, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है बच्चे के साथ अपने कहीं पे जा रहा है, उसके पीठ पे गोली मार दी, क्योंकि वो लोग निहत्ते हैं, इसलिए वो अनार्म्ड है। ये कश्मीरी पंडित को क्यों मार दिया? ये अनाम था, इसके पास हथियार नहीं था, यहाँ से जवाब नहीं जाता। इसके घर में हथियार होता है, इसके घर में AK-47 होती है और उसको आती, इसकी ट्रेनिंग होती, तो आपको लगता है कि किसी की हिम्मत थी, किसी की मजाल थी, किसी की औकात थी इसके ऊपर गोली चलाता? वो एक चलाता, वहां से 100 का फायर आता। हाँ। और यही मैंने कश्मीरी पंडित भाई बहन मेरे बैठे थे, यही बात मैंने उनको बोली उस दिन, आई सेड द सेम थिंग, डर नहीं, अनलेस यू पिक अप वेपन्स गिवन बाय द स्टेट, भारत सरकार जब तक कश्मीरी पंडित जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको इंडियन आर्मी के कैंप्स में भेजे, सीआरपीएफ के कैंप्स में भेजे, उनकी तीन तीन महीने वहां पे आप ट्रेनिंग, आप ये इंडियन आर्मी की यूनिट्स हैं कई सारी वहां पे, राष्ट्रीय राइफल्स की और वहां पे सीआरपीएफ की यूनिट्स हैं, आप बोलिए कि आपको वहां पे रहना है, इनके लिए अलग से अरेंजमेंट करिए, लड़के लड़कियां वहां पे रहेंगे 15-20 हर एक, उनका खाना पीना सब कुछ वहां पे इंडियन आर्मी विल टेक केयर, उनका लॉजिस्टिक्स एवरीथिंग इंडियन आर्मी विल टेक केयर। और अगर उनके वहां पे आने से कोई बिजनेस का लॉस है, उनका 20-50 हज़ार रुपए महीना जो कमाते होंगे वो बिजनेस का लॉस है, तो वो बिजनेस का लॉस पूरा करेगी इंडियन आर्मी को बजट दिया जाए, सीआरपीएफ को एडिशनल बजट दिया जाए कि उनके घर में पैसा पहुंचता रहे, कि उनके घर में खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए ट्रेनिंग की वजह से। और इनको यहाँ पे 3 महीने कुछ मत करो, डेली इनको रगड़ो सवेरे 4-5 बजे उठा के, इनकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान, इनके वेपन पे ध्यान, इनको बोलो कि भाई ऐसे AK-47 फायर होती है, इनको माइनर टैक्टिक्स आपको सिखानी पड़ेंगी, और 3-4 महीने बहुत हैं बेसिक सिखाने के लिए, ठीक है, फिर उनको बोलो 3-4 महीने बहुत है, अगर आपको ज्यादा लग रहा है प्रोग्राम आप 6 महीने का कर दो, आप इनको सिखाओ, कश्मीरी पंडितों को लाओ वहां पे, ठीक है ना, और उनको वहां पे सिखा के यू सेंड देम बैक इनटू सोसाइटी एंड यू गिव देम अ वेपन, डोंट गिव देम 303 फॉर हेवन सेक जो विलेज डिफेंस कमिटीज को आपने जमा में ऑटोमेटिक किसी काम का हथियार नहीं, क्यों मैं कह रहा हूं, ठीक है 303 से अगर गोली लग गई आदमी लेट जाता है ये बात तय है, लेकिन ये भी बात तय है कि 303 आपका आपको लोड करना पड़ता है बार बार, इट इज नॉट इवन अ सेल्फ लोडिंग राइफल, वो सेल्फ लोडिंग भी नहीं है 303, आप एक बार आप बोल्ट पूरा पीछे करोगे, फिर उसको लोड करोगे, फिर फायर करोगे, फिर करोगे, फिर फायर करोगे, अरे जब तक आपने ये कार्रवाई 2-3 बार करी वहां पे तो 30 राउंड का बौछार आपके ऊपर AK-47 से आ गई। AK-47 का जवाब AK-47 से होता है, आप AK-47 का जवाब आप किसी 303 SLR से नहीं दे सकते, सही बात है, ये इंडियन आर्मी को पता अच्छी तरीके से। तो आपको कश्मीरी पंडितों को जो वहां पे वैली में सिख हैं, ठीक है, वो भी दूर दूर के गांव में बसे हुए जिनके ऊपर ये अटैक कर देते हैं, मार देते हैं, आप सिखों को आपको इनको आम करना पड़ेगा। और ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं तभी चैन से जीने देंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अपने कांस्टेबल्स हैं ये सब रैंक्स हैं पूरे, ये बिना हथियार के क्यों जा रहे हैं, इनको भी बोलो कि तुम घर पे जाओगे तुम वेपन लेकर जाओगे, वेपन लेके जाओ, बाहर निकलते हैं तो यू शुड हैव एन AK और एटलीस्ट अ पिस्टल विद यू, तुम कहीं पर भी जाओगे तुम हथियार लेकर जाओगे, तुम बिना हथियार के नहीं जाओगे, कैरी योर वेपन्स। आप ये कर देंगे ना काफी हद तक किलिंग्स बंद हो जाएंगी, यू हैव टू आर्म द पॉपुलेशन। और जिस दिन ये लश्कर और जैश फैश जितने भी कार्टून नेटवर्क पाकिस्तान से चलता है, जिस दिन उनको पता चल गया ना वो पंडित है उस घर में और पंडित के घर AK-47 है, इनका गला सूख जाएगा, भाग जाएंगे, इनमें औकात नहीं फायर करने की। वो देखते हैं निहत्ता है यार कश्मीरी पंडित, वो सिख है वो निहत्ता है, तो निहत्ते को तो गोली मारना है, इसमें कौन सा बड़ा 30 मार खान का काम है यार, इसमें कौन सी बहादुरी का काम है निहत्ते पे गोली चलाना। मैं टेररिस्ट से पूछता हूँ यार तुम्हें औकात है ना, तुम्हें बड़ा जिहाद का जज्बा है ना, है ना जिहाद का जज्बा, तो जाओ राष्ट्रीय राइफल कैंप के अंदर घुसो, हम भी तो देखें ना कितनी औकात है तुमने, वो दिखाएं, हम भी तो तारीफ करें तुम्हारी, हमें भी तो मौका दो यार, हम तुम्हारी तारीफ करें, देखो इतना बढ़िया शानदार बंदा था यार, देखो इसकी क्या औकात थी, ये तो राष्ट्र राइफल्स के कैंप के अंदर घुस के दिखाओ एक बार, फिर पता चले, घुस के दिखाओ, सुअर की तरह रगड़ेंगे वो लोग जमीन पे, घिस के मारेंगे तुम्हें RR वाले, तुम करके दिखाओ एक बार। ये पंडितों को तुम मारते हो, सिखों को मारते हो, क्यों मारते हो? ये जो JK पुलिस वाला वो बेचारा अपने बच्चे के साथ यार, मैं आई कैन नॉट फॉरगेट, इनोसेंट लोगों को क्यों मारते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे के साथ बच्चे को लेके मस्जिद गया यार वो पुलिस वाला नमाज पढ़ने के लिए, उसको मार दिया, इसने निहत्ते आदमी के पीठ पे गोली मार दी, उसके बच्चे के हाथ में, अब तुमने 8 साल के बच्चे के हाथ में गोली मार दी यार, उसने क्या बिगाड़ा नमाज पढ़ने, मतलब तुम्हें बिल्कुल जानवर हो। यू डिजर्व राष्ट्र राइफल्स, यू डिजर्व राष्ट्र, तुम्हें राष्ट्र राइफल्स ही ठीक करेगी, ठीक है, वही तुम्हारे नजले जुखाम का इलाज ना वही है, वही एंटीबायोटिक मेडिसिन है RR, तुम्हें RR चाहिए बेटा। और आर्मिंग द पंडित्स, आर्मिंग द सिख्स ऑफ द वैली विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हाँ कोई बंदा है जो दाएं बाएं हो सकता है, ये आपको मानना पड़ेगा कि ये इसकी एक कॉस्ट है, लेकिन आई थिंक यू शुड आर्म देम, गिव देम वैलिड लाइसेंसेस, स्पेशल आप बनाइए प्रोग्राम वैली में कि पंडित्स एंड सिख्स टू गेट लाइसेंसेस, आर्म देम एंड टेल JK पुलिस पीपल, टेल देम टू नॉट मूव आउट योर हाउस अलोन, एक तो अकेले नहीं जाना, ग्रुप में जाना है, एंड एवरीबॉडी लेके जाना, साथ में वेपन लेके जाओ। आप जाओ बाजार जाना है ना, 2-3 एक साथ जाओ, AK-47 टांग के जाओ, फिर देखते हैं किसकी औकात है जो JK लगाए। ये सारे के सारे निहत्तों पे अटैक करते हैं। बयानबाजी करते थे उनको थोड़ी सी दिशा उन्होंने बदल ली तो उन्हें मेजर साहब का स्टाइल था जिस थोड़ी सी स्टाइल था 90 डिग्री। देखो भाई साहब के निकल रहे हैं, कोई पता नहीं भाई साहब आप भी कब उठ जाओ तो भाई गारंटी नहीं। सही आप कौन सा कम बोलते हो। हाँ आप दांत निकल रहे हैं उनके ऊपर, वो तो बुजुर्गों को नहीं बख्श रहे भाई साहब, आप तो जवान लोग हो। मेरे मुंह से निकल गया भाई, मेरे मुंह से निकल गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले तो वो जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसको उठाए उसकी बात करते हैं। अगर आर्मी के रिटायर्ड जनरल को ही वो लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए उठा लेते हैं तो फिर जर्नलिस्ट और आम लोगों को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ही नहीं रहती, क्योंकि अगर आर्मी के बंदे को वो उठाकर जेल में डाल सकते हैं अगर उन्होंने कुछ आर्मी के खिलाफ या देश के खिलाफ बोल दिया है, तो फिर आम आदमी तो कैसे अपनी आवाज़ उठा पाएगा। और जर्नलिस्ट से भी आप क्या ऐसी आशा रखेंगे कि वो भी कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो आर्मी के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को ही वो उठाकर सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं तो फिर आम आवाम से तो कुछ नहीं हो सकता। और एक न्यूज़ दी मेजर साहब ने कि आर्मी के जवानों को खिलाने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उनके आर्मी चीफ तो प्लेन में हमेशा सऊदी अरब या कहीं ना कहीं जाते रहते हैं और उस पर इतना खर्चा करते हैं, उनकी बजाय जो वो आर्मी के जवान हो उसको खिलाने के लिए वो पैसा स्पेंड करे तो अच्छी बात होती उनके देश के लिए और उनकी आर्मी के लिए। लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं सरकार में या आर्मी में, वो अपनी अय्याशी और करप्शन में लगे हुए हैं लोगों के बारे में या जो नीचे के एम्प्लॉयज या आर्मी के जवान है उसके बारे में तो वो सोचते ही नहीं और सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है। और जो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित को मार दिया, तो ये लोग है ही ऐसे जानवर जैसे लोग, जैसे मेजर साहब ने कहा जानवर ही है एक तरीके से, क्योंकि जो इनोसेंट लोगों को मार देता है उस बच्चे ने भी उनका क्या बिगाड़ा था। उनको अगर आप गोली मार सकते हो तो फिर आपकी मानसिकता क्या हो सकती है। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ मेजर साहब से कि कश्मीरी पंडितों को ट्रेन करके और सिखों को भी जो वहाँ पे रहते हैं उनको ट्रेन करके हथियार देना चाहिए, और वो जो एक बार में एक गोली चाहे ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक AK-47 जैसी उन लोगों को वेपन्स देनी चाहिए ताकि वो वहाँ से एक गोली आए तो यहाँ से भी 30-40 गोली मार सके और अपनी सिक्योरिटी और डिफेंड कर सके। और भारत सरकार को भी उनको इसके लिए बजट, जैसे मेजर साहब ने कहा, बजट एलोकेट करना चाहिए ताकि वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। और शायद मेजर साहब ने एक बहुत समय पहले एक वीडियो में कहा था कि सरकार ने ऐसा शुरू कर किया है कि वो ट्रेनिंग दे रहा है कुछ कश्मीरी पंडित्स को और उनको हथियार भी दे रहे हैं, लेकिन वो जो एक बार में एक गोली चलती है वो हथियार से, तो शायद वो उससे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर AK-47 जैसे वेपन्स देते हैं तो वो अच्छी बात होगी। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।